हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली टाई ब्रेकिंग रूल को लेकर है। अब यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर रिजल्ट को कंसीडर किया जा सकता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपकी जो मेरिट है वो आपकी लास्ट सेमेस्टर के बेस पर बनेगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आपका जो सी यू टी पी जी का स्कोर है वही फाइनल होगा, लेकिन इन केस अगर जैसे मेरिट अनाउंस होती है कट ऑफ में, बेसिकली फर्स्ट कट ऑफ या जो भी कट ऑफ्स होती हैं, अब उसमें एक बच्चे के नंबर हैं 190 और दूसरे बच्चे का नंबर भी 190 है, अब ये भी कैटेगरी वन से बिलोंग करता है, ये भी कैटेगरी वन से बिलोंग करता है, और ये भी जो है अनरिजर्व कैटेगरी से, और ये भी जो है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो मतलब पूरा सिनेरियो अगर इनका सेम ही चलता है, यानी दोनों के बीच में 190 नंबर है कैटेगरी वन से है, और इनकी जो वैसे कैटेगरी है अनरिजर्व कैटेगरी वो भी सेम ही है दोनों की, तो इस केस में टाई ब्रेकिंग रूल इंप्लीमेंट होगा। अब टाई ब्रेकिंग रूल में क्या होगा, टाई ब्रेकिंग रूल में अब इन दोनों बच्चों को, क्योंकि सीट सिर्फ एक बच्चों को देनी है, पहले ड्यू में क्या होता था टाई ब्रेकिंग रूल जैसे कोई सिस्टम नहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ पे ड्यू क्या करता है, अगर दोनों बच्चों के नंबर सेम होते हैं, सेम कैटेगरी के अंदर होते हैं, तो बेसिकली ड्यू टाई ब्रेकिंग रूल इंप्लीमेंट करता उस समय, क्योंकि जो सीट्स हैं वो ड्यू सिर्फ एक ही स्टूडेंट को देना चाहता है, ठीक है, वो दोनों को नहीं देता। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ें हैं, द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज ऑफ फर्स्ट 5 semester, तो बेसिकली आपका जो एनुअल रिजल्ट है उसमें आपका जो, मतलब एनुअल का मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूँ जो आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, अगर दोनों की ग्रेजुएशन की मार्कशीट में सेम CGPA आती है, यानी सेम परसेंटेज आती है, वैसे परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट है, ठीक है, तो परसेंटेज अगर आपकी सेम रहती है, ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है सारी चीज़ें दोनों कैंडिडेट की सेम थी और 90% दोनों के, वैसे ग्रेजुएशन में 90% ज़्यादा हो गया, मैं 80 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 80% दोनों स्टूडेंट्स के जो है सेम ही है। अब 80% है, अब यहाँ पे भी सेम टाई ब्रेकिंग, दोबारा से अब दूसरा कैटेगरी देखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कैंडिडेट की जो हायर परसेंटेज है यहाँ पे किस में, लास्ट उसमें, ठीक है, अगर लास्ट उसमें बेसिकली आपका जैसे 6th semester का रिजल्ट आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ वो 5th semester का देख लेंगे, तब यहाँ पे आपका अगर उसमें भी सेम रहता है तब यहाँ पे आपकी एज देख ली जाएगी कि आप जो बड़ा होगा उसे सीट अलॉट कर दी जाएगी, तो ये टाई ब्रेकिंग रूल है। अब टाई ब्रेकिंग रूल आपको समझ में आ गया होगा, वैसे टाई ब्रेकिंग रूल मैंने आपको समझा दिया। अगर देखो पहली चीज़ में तो ये होता है कि आपकी पूरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट देख लेंगे, उसमें जो परसेंटेज होगी वो ठीक है, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसे सीट अलॉट हो जाएगी, अदरवाइज़ इसमें भी सेम मतलब दोनों फिर दोबारा से बराबर आते हैं, दोनों का सेम रहता है, तो फिर यहाँ पे ये वाला फॉलो होगा कि आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट चेकआउट कर लिया जाएगा, उसमें जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसे सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतना सारा चीज़ होता है, हाँ यार बहुत कमी होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है, अब बाकी अगर ये भी सेम रहता है, लास्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट दोनों का सेम ही रहता है, तो बेसिकली फिर यहाँ पे भाई एज कंसीडर करी जाएगी, जो बड़ा होगा उसे सीट अलॉट कर दी जाएगी, और जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट पे जो आपकी एज है वही आपकी देखी जाती है, ठीक है, तो ये टाई ब्रेकिंग रूल है। और बाकी ये कन्फ्यूज़ मत हो कि हमारा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर रिजल्ट देखा जाएगा, ये सब टाई ब्रेकिंग रूल के समय देखा जाता है, अदरवाइज़ ये कोई वैसा नहीं होता है, ठीक है, आपका जो सी एस मतलब जो आपका सी यू टी पी जी का जो रिजल्ट होता है ना वही उसी के बेस पर आपकी पूरी मेरिट बनती है, ठीक है, तो यही पूरा प्रोसीजर था टाई ब्रेकिंग रूल का। और अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टा व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, और ड्यू पीजी का व्हाट्सअप चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।